आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, जो कि उनमें से कुछ एडवर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं। यह इंस्टेड ऑफ, रादर देन, यह केवल इंस्टेड। तो सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं इंस्टेड और रादर का मतलब क्या होता है। के बदले, के जगह या के स्थान पर। अब इनमें कैसे हम वर्ब यूज़ करते हैं ये देखिए आप। इसमें कई बार बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं इनको लेकर। रादर देन के पहले वाला वर्ब जिस फॉर्म में हो, उसके बाद वाले वर्ब का फॉर्म भी वही होगा। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, आई वॉज स्लीपिंग रादर देन डूइंग दैट इम्पोर्टेंट वर्क। आप देख रहे हैं पहला वर्ब स्लीपिंग है, रादर देन के बाद डूइंग आएगा, आईएनजी लग के आएगा। एक और एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, इफ आई हैड माय वे आई वुड बी स्लीपिंग रादर देन स्टडिंग। यहाँ पर भी वुड बी के बाद जो स्लीपिंग है ये फर्स्ट वर्ब है, और रादर देन के बाद जो वर्ब आएगी वो भी आईएनजी लग के ही आएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मेरा बस चले तो मैं पढ़ाई करने के बजाय सो जाऊं। अब आप इंस्टेड के बाद अगर ऑफ लगा हो तो मान लीजिए ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, और अगर इसमें वर्ब आ रही है उसके जस्ट बाद तो वो हमेशा आईएनजी लग के ही आएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ गोइंग, इंस्टेड ऑफ रीडिंग, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। अब आप यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हैं इसमें, आई स्लैप्ड इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इम्पोर्टेंट वर्क, मैं उस महत्वपूर्ण काम को करने के बजाय सो गया। तो करने के बजाय, तो के बजाय के साथ करने की अंग्रेजी आ रही है तो ये आईएनजी लग के आएगी। वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई हैड माई वे सो आई वुड बी स्लीपिंग द एंटायर डे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। अगर मेरा बस चले तो मैं पढ़ाई के बजाय पूरे दिन सोता रहूं। तो सो मतलब पढ़ाई करने के बजाय, बजाय के साथ क्या जुड़ रहा है, पढ़ाई करना, तो ये आईएनजी लग के आएगा। If so, why did you support me instead of supporting him? अगर ऐसा है तो आपने उसका समर्थन करने के बजाय मेरा समर्थन क्यों किया? उसका समर्थन करने के बजाय ये किसके साथ जुड़ा है, उसके साथ। तो instead of के बाद ये पार्ट आएगा और ing लग के यूज़ होगा ये। She asked him to talk to her instead of working alone until the owner is out of the city. उसने उसे अकेले काम करने के बजाय उसे काम करने को कहा जब तक मालिक शहर से बाहर हो। अकेले काम करने के बजाय, बजाय किसके साथ जुड़ा है, अकेले काम करने के। तो हमें instead of यहाँ लगाना है तो काम करने की अंग्रेजी में हम ing लगा के यूज़ करेंगे। Instead of going to that hotel, we should go to this hotel. At this hotel is pretty good in terms of food and price. तो उस होटल में जाने के बजाय हमें इस होटल में जाना चाहिए क्योंकि यह होटल भोजन कीमत के मामले में बहुत अच्छा है। तो उस होटल में जाने के बजाय, ध्यान रखिए जहाँ बजाय जुड़ रहा है उसके साथ जो वर्ब है उसी में आएंगे आएगा। तो instead of going to that hotel. Instead of chatting on WhatsApp, let's have a video call to hearts content. WhatsApp पर चैटिंग करने के बजाय चलो दिल खोलकर वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो WhatsApp पर चैट करने के बजाय, तो चैटिंग, इस वाले चैटिंग से पहले instead of लगाएंगे और ing लगाएंगे। अब बात करते हैं नाउन की। हमेशा कोई वर्ब ही नहीं आती इसके बाद, नाउन भी आता है तो तब बस उस नाउन से पहले ही आपको लगाना होगा, उसमें कोई कुछ ऐड नहीं करना होता। आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी,
इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह मैं एक कप चाय लेना पसंद करूँगा। आई थिंक यू शुड आस्क हिम टू डू दैट इंस्टीड ऑफ पप्पू। मुझे लगता है कि आपको पप्पू के बजाय उसे वह करने के लिए कहना चाहिए। बस ये ध्यान में रखना है, बजाय जहाँ है उस वही उस वर्ड के साथ जो नाउन है वही उसके साथ यूज़ होगा। अब अगर प्रोनाउन की बात करें हम, तो इफ़ इट वो इन माई हैंड्स आई वुड हैव नेवर चूजन हर इंस्टीड ऑफ यू। अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हारे बजाय उसे कभी नहीं चुनता। आप ये जानते हो, अगर कभी हम कल्पना बात कर रहे हैं, काल्पनिक बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता, अगर मैं बर्ड होती तो सबके साथ वर यूज़ होता है, इसलिए इट के साथ वर यूज़ हुआ है। आई वुड हैव नेवर चूजन हर इंस्टीड ऑफ यू, तुम्हारे बजाय। हिंदी में क्या लिखा है, तुम्हारे बजाय, तो तुम्हारे के से पहले इंस्टीड ऑफ आएगा। एज ऑलवेज ही ड्रॉप्ड मी टू माई डेस्टिनेशन इंस्टीड ऑफ यू। हमेशा की तरह उसने मुझे तुम्हारे बजाय या तुम्हारी जगह मेरे घर पे छोड़ा, तो इंस्टीड ऑफ यू। यू शुड हैव वॉर्न अ रेड ड्रेस इंस्टीड ऑफ द ब्लू वन। आपको नीले रंग के बजाय लाल रंग की पोशाक पहननी चाहिए थी, तो नीले रंग से पहले आएगा इंस्टीड ऑफ ब्लू वन। शी सेड नो वे, दैट्स इम्पॉसिबल, व्हेन शी हर्ड हर हस्बैंड हैड टेकन हर कजन फॉर ए लॉन्ग ड्राइव इंस्टीड ऑफ हर। शी सेड नो वे, दैट्स इम्पॉसिबल, उसने कहा यह नहीं हो सकता, जब उसने सुना कि उसके पति ने उसके बजाय उसकी चचेरी बहन को एक लंबी ड्राइव पर वो लेके गए हैं, तो उसके बजाय ये ध्यान रखो, तो इंस्टीड ऑफ हर। माई फादर डजंट लाइक कॉफ़ी, कुड यू गेट हिम ए कप ऑफ टी इंस्टीड। मेरे पिता को कॉफ़ी पसंद नहीं, क्या आप इसके बदले उन्हें एक कप चाय दे सकते हैं। तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो लास्ट में आएगा। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, सो कैन यू पास मी दैट इंस्टीड। मैंने ये इस पुस्तक को पहले ही पढ़ लिया है, तो क्या आप इसके बदले मुझे वह पुस्तक दे सकते हैं। तो ऐसे लास्ट में हम एग्जाम्पल को में जो भी मैंने देखा, आपने देखा एग्जाम्पल है, लास्ट में इंस्टीड को यूज़ किया है। वन मोर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी बोट सम फ्रूट फॉर आवर सिक ग्रैंड मदर। हमने पहले ही अपनी बीमार ग्रैंड मदर के लिए कुछ फ्रूट्स खरीद लिए हैं, क्या आप इसके बजाय कुछ अन्य खाने पीने की चीज़ें ला सकते हैं। तो इसके बजाय ला सकते हैं, तो इंस्टीड एंड में आएगा। आई होप कि आपको ये यूज़ समझ में आए होंगे। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।